हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी मैपिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 5, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, जाकर के देख सकते हैं। उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको सिस्टमेटिक रूप से पूरी मैपिंग क्लासेस यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत हैं और उनकी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, जिनको आप लोग पीक्स के नाम से भी जानते होंगे, या फिर हम लोग पठार जिन्हें आप लोग प्लेट्यू के नाम से जानते होंगे, इनको आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आपको एक सिस्टमेटिक रूप से और सब कुछ आपको एक बेसिक अप्रोच यहाँ पर दे देंगे, जिससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। देखिए, जो आपको क्लासेस मिल रही है इन्हें तो आप लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आपको एक बात बोली गई है कि आपको डेली सुबह उठ करके 5 मिनट आपको रिविजन करना है, तो उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो भी आपको पढ़ाए उनके नोट्स बना लीजिए और उन्हीं नोट्स के थ्रू आप लोग देखते रहिए, और साथ में मैप अपने कहीं पर पास में चिपका लीजिए, तो उस पर इस तरह से घूमते रहिए, जिस सीक्वेंस में आपको बताया उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, उसी क्रम में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपको काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे इन सारी माउंटेन रेंजेस के बारे में, और साथ में प्लेट्यू के बारे में, और इम्पोर्टेंट जो पीक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, कोल्डेरा। आखिर एक कोल्डेरा क्या होता है, वेस्टर्न कोल्डेरा क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं। कभी कभार पूछ लेता है, तो हम आपको हर चीज बेसिक से पढ़ाते हैं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका। तो ये पूरा क्या है, एक महाद्वीप है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा आपको एक महाद्वीप देखने को मिलेगा। ओके, क्या देखने को मिलेगा, एक आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा। तो हम आपको बताए थे किस तरह से, इसमें कौन कौन से देश हैं, किस क्रम में, सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो देखिए, ये आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा, एक महाद्वीप है। तो इसके देखिए, आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में आप लोग देखेंगे, तो आपको बहुत सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। देखिए, पर्वत श्रेणी क्या होती है, एक होता है पर्वत, क्या होता है पर्वत। तो देखिए, पर्वत क्या होता है, तो हम आपको बताए हैं इस तरह से, आपको जो संरचना देखने को मिलेगी उसे हम पर्वत बोलते हैं, जिसकी जो हाइट होती है वो आपको 1500 फीट से ज्यादा देखने को मिले, आधार चौड़ा हो, शिखर नुकीला हो, तो हम उसे पर्वत बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे जब पर्वत होते हैं, इस तरह से बहुत सारे पर्वत होंगे, तो क्या बन जाती है, एक श्रेणी बन जाती है, तब हम इसे बोल देते हैं पर्वत श्रेणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पर्वत श्रेणी बोल देते हैं। तो इसी तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको इसके पश्चिम में, ओके, पश्चिमी तट की ओर अगर आप लोग देखेंगे, तो पश्चिमी साइड में बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिलेंगी, जैसे अलास्का श्रेणी, ब्रुक श्रेणी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से श्रेणियां देखने को मिलेंगी। देखिए, बहुत सारी क्या है श्रेणियां, भी आपको सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये बहुत सारी श्रेणियों का एक समूह है, इसी श्रेणियों के समूह के लिए कोल्डेरा बोल देते हैं। कोल्डेरा की विशेषता क्या होती है, ये जो श्रेणी है वो एकदम नहीं बनी, बल्कि जो ये श्रेणियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं, विभिन्न कालक्रम में विभिन्न प्रक्रियाओं से बनी हैं, तो इनके समूह को हम कोल्डेरा बोल देते हैं। किस साइड में है, वेस्ट साइड में है, तो इसीलिए इसे वेस्टर्न कोल्डेरा के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन कौन सी श्रेणियां वेस्ट कोल्डेरा का पार्ट है, तो आप सोचेंगे कोल्डेरा क्या है, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कोल्डेरा क्या होता है, श्रेणियों का, जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, तो उनका एक समूह होता है जो विभिन्न कालक्रम में विभिन्न प्रक्रियाओं से बनती हैं, तो उन्हीं को हम कोल्डेरा का नाम दे देते हैं। तो देखिए, ये बेस्ट कोल्डेरा है, तो बेस्ट कोल्डेरा में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्लेट्यू के बारे में, जिनको आप लोग पठार बोलते होंगे। पठार किसे कहते हैं, तो पठार आपको जिसका शिखर होता है वो नुकीला ना होकर के सपाट हो, और इसकी भी हाइट 1500 फीट से ज्यादा हो, या फिर 600 मीटर कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आपको उत्तरी अमेरिका का मैप देखने को मिलेगा। आपको देखिए, हमेशा जब हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ाते हैं, तो आपको उत्तर से स्टार्ट करते हैं और लाकर के नीचे खत्म कर देते हैं, तो हम जब पर्वतों को भी देखेंगे तो इसी क्रम में हम लोग देखने वाले। तो देखिए, ये आपको अलास्का रेंज देखने को मिलेगी, और इधर देखिए माउंटेन रेंजेस के हमने नाम लिख दिए हैं, तो आपको नाम इधर देख लेने, हम इधर नंबरिंग करेंगे, और आप लोग इस मैप को बना लीजिए। मैप बनाना आप लोगों के लिए सिखा दिए हैं, तो आप लोग छुट्टियों में बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आउटलाइन मैप हो तो उसे छाप लीजिए, या फिर आउटलाइन मैप को भी काट करके आप लोग लगा लीजिए, या फिर आप लोग अपने एड्रेस में भी लोकेट कर सकते हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाने, शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रुक्स रेंज देखने को मिलेगी। तो देखिए, ब्रुक्स रेंज क्या है, ये अलास्का रीजन है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा,
ये अलास्का रीजन है, तो अलास्का के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कि रेंज पाई जाती है। तो पहली रेंज ब्रुक्स रेंज कहां पर है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी रेंज है अलास्का रेंज, आपको देखने को मिलेगी। तो अलास्का रेंज कहां पर है, यहां पर आपको अलास्का रेंज देखने को मिलेगी, जिसको अलास्का पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से नोट भी करना है, हम देखे नोट करेंगे तो बहुत फौज फौज हो जाएगा, तो इसीलिए हमने साइड पे लिख दिया है, आप लोग छोटा सा जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर मैकेंजी। देखिए मैकेंजी कहाँ पर है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जो तीसरी है मैकेंजी श्रेणी है, जो पर्वतों की श्रेणी है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ओके, फिर इसके बाद में कोस्ट रेंज आता है। देखिए कोस्ट थोड़ा सा तट तट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्ट बोलते हैं ना। तो देखिए कोस्ट रेंज, तो कोस्ट रेंज किधर होगी भाई, इधर ही होगी कोस्ट के किनारे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोस्ट रेंज। तो चौथे नंबर पे क्या है, कोस्ट रेंज है। कोस्ट के बाद में आती है कैस्केड रेंज। तो देखिए इस तरह से आपको कैस्केड रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो पांचवें नंबर पर क्या है, कैस्केड रेंज है। कैस्केड रेंज के बाद आपको देखने को मिलेगा सेरा निवाडा, आपको देखने को मिलेगा। तो सेरा निवाडा है वो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो छठे नंबर पर आती है सेरा निवाडा। ओके, देखिए सेरा निवाडा है, थोड़ा सा इसका जो पांचवें नंबर का है, थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक कौन सी पांचवें नंबर की है और सेरा निवाडा आपको इस तरह से देखने को मिलेगी ये छठे नंबर पर। ओके, अब देखिए इसके बाद में रॉकी माउंटेन, जो मेन आपको श्रेणी देखने को मिलेगी, जिनका विस्तार तीन देशों में है, कनाडा में और फिर यूएसए में, फिर उसके बाद मैक्सिको में। ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार आपको आपको देखने को मिलेगा इस तरह से तीन राज्यों में है, मतलब तीन देशों में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और फिर यहाँ पर इस सातवें नंबर की कौन सी है, इस सातवें नंबर की आपको रॉकी देखने को मिलेगी पर्वत श्रेणी। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए छोटी सी किस तरह से सैक्रामेंटो देखने को मिलेगा, जो आठवें नंबर पर आता है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए ध्यान से आठवां और नवा। ओके, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा नहीं है, सैक्रामेंटो लिखा तो है यहाँ पर। ओके, देखिए ये नवे नंबर पर और दसवें नंबर पर, देखिए सेरा माड्रे है, दोनों क्या है, सेरा माड्रे है, बस ये मैक्सिको में एक है वो पश्चिमी भाग पर है और दूसरी पूर्वी भाग पर है, तो इसीलिए इसे वेस्टर्न सेरा माड्रे बोल देते हैं और दूसरे को ईस्टर्न सेरा माड्रे बोल देते हैं। और जो वेस्टर्न सेरा माड्रे है उसी के लिए एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सेरा माड्रे ऑक्सीडेंटल बोल देते हैं, और जो ईस्ट वाली है उसको सेरा माड्रे ओरिएंटल बोल देते हैं। तो देखिए ये क्या है, मैक्सिको है, तो मैक्सिको के एक श्रेणी आपको देखने को मिलेगी वेस्ट साइड में, तो इसे वेस्टर्न सेरा माड्रे बोल देते हैं, और दूसरी श्रेणी आपको देखने को मिलेगी ईस्ट में, तो इसको ईस्टर्न सेरा माड्रे बोल देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दबाव नहीं लेना है, बहुत आसानी से इस तरह से कर लेना। तो ये नवे नंबर का है, ये दसवें नंबर की आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपको ब्लू रिज रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये कहाँ पर है, ये देखिए वेस्टर्न कोल्डेरा का पार्ट नहीं है, जो 11वें और 12वें नंबर की जो आपको देखने को मिल रही है ये वेस्टर्न कोल्डेरा का पार्ट नहीं है। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। तो देखिए ये कौन सी है, ये ब्लू रिज रेंज आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से ही आपको एक एप्लीशियन रेंज है वो जाती है क्यूबेक तक, फिर जाती है बर्मिंगम से स्टार्ट होती है, यूएसए के बर्मिंगम से स्टार्ट होती है और क्यूबेक तक जाती है, तो ये चीज आपके लिए देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कौन से नंबर की है, 11वें नंबर की है और एक 12वें नंबर की है। ध्यान रखना है 11वें और 12वें नंबर की वेस्टर्न कोल्डेरा का पार्ट नहीं है। और देखिए जो एपिलिशियन है ना, यही जो आपको देखने को मिलेगी 12वें नंबर की एपिलिशियन है, ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोयला भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए इसके अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहाँ पर कोयला भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अगर हम इसके दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क बहुत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास हुआ है। पीट्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा बर्मिंगम में आपको देखने को मिलेगा लौह इस्पात उद्योग है, उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। साथ में ये एपिलिसियन पर्वत है, इसकी एक विशेषता भी है, एपिलिसियन पर्वत है तो यहाँ से जो यूएसए और कनाडा से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, वो नदियां आती हैं पूरब की ओर आती हैं और अटलांटिक महासागर में गिरने के लिए आती हैं, लेकिन रास्ते में क्या पड़ता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एप्लीशियन पर्वत पड़ता है, और एप्लीशियन पर्वत से नदियां हैं वो गिरती हैं, डायरेक्ट गिरती हैं नदियां, तो यहाँ पर जलप्रपात बनाती हैं, और पूरी की पूरी एक लाइन देखने को मिलेगी बहुत लंबी सी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर
फॉल लाइन के नाम से जानते हैं। फॉल का मतलब क्या होता है, वॉटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा, तो एक पूरी फॉल लाइन बन जाती है लंबी सी। अभी आप लोगों के लिए दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये मानते हैं ये क्या है, एपलिसियन पर्वत है। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, अचानक से क्या हो जाता है, यहाँ पर ढलान आ जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको वो पर्वत है, पर्वत की यहाँ पर खड़ी ढाल देखने को मिलेगी, तो वहां से नदियां गिरती हैं, तो एक जलप्रपात की तरह गिरती हैं, जलप्रपात का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, देखिए एक पूरी की पूरी इस तरह से फॉल लाइन बन जाती है, जिसको बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। क्या होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, और जो नदियां होती है फिर गिरते हुए यहाँ पर वॉटरफॉल बनाते हुए फिर कहाँ चली जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। लेकिन इसी क्षेत्र में जब ये पानी गिरता है, तो यहाँ पर गिरते हुए पानी का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई। इसी गतिज ऊर्जा को हम मशीनों के माध्यम से, टर्बाइन के माध्यम से हम इसे विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, और इसी वजह से जल विद्युत का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है, और इन्हीं जलप्रपातों से जो पानी गिरता है उनके नीचे हम टर्बाइंस लगा देते हैं, और वो टर्बाइंस घूमती हैं और उससे हमको बिजली मिल जाती है। तो देखिए बिजली भी मिल गई, ऊर्जा भी मिल गई, क्या मिल गई यहाँ पर, ऊर्जा मिल गई। और हम अभी आपको बताए थे इसी रीजन में जो अपलिशियन पर्वत है, यहाँ पर लौह अयस्क भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज में विशेषता क्या पाया जाता है, यहाँ पर लौह अयस्क और प्लस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर उच्च कोटि का यहाँ पर एंथ्रेसाइट आपको कोयला देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर कोयला भी, उच्च कोटि का कोयला देखने को मिलेगा। और देखिए साथ में यहाँ पर जल भी मिल गया, क्या मिल गया, साथ में यहाँ पर जल भी मिल गया इतना सारा भाई। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी अन्य इंडस्ट्री है उनका भी विकास हुआ है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा ये इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा। तो समझे आप लोग, ये क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा। ये बर्मिंगम कहाँ पर है, तो देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बर्मिंगम आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ से ये जो पर्वत श्रेणी है वो इस तरह से जाती है, और इधर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस भी बनती है, और जो दक्षिण वाला पार्ट है यहाँ पर बहुत ज्यादा लोहा एक्स पाया जाता है, और ऊपर वाला पार्ट है, ओके जो सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत बन गया है, ये देखिए यहाँ पर ये बर्मिंगम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्यूबिक तक ये जाता है। ओके, तो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारा लोहा एक्स पाया जाता है, ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर बहुत सारा कोयला पाया जाता है, और बहुत सारे अन्य खनिज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी अधिकता हम आपको बताए थे। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। ओके, चलिए बैक आते हैं, ये तो आप लोग समझ लिए। अब देखिए आपको इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो कर लेते हैं यहाँ पर, कि चोटियों के बारे में, महत्वपूर्ण चोटियां, उत्तरी अमेरिका की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आपको अलास्का रेंज जो देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर की है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अलास्का रेंज बोलते हैं। इसी अलास्का रेंज में एक आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर है सबसे ऊंची चोटी है, जो कौन सी है, माउंट मिकिल्ले। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट मिकिल्ले आपको देखने को मिलेगी, माउंट मिकिल्ले। अब देखिए जो माउंट मिकिल्ले है, ये अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से सुनिएगा, ये अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में ये पूरे इस महाद्वीप की, पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो भी वो माउंट मिकिल्ले ही होगी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका जो पूरा का पूरा महाद्वीप है, इसमें सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, माउंट मिकिल्ले ही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए माउंट मिकिल्ले हो सकता है आपको नाम में ना दिया रखा हो, इसी का नाम 2015 में ब्राक उमामा के द्वारा चेंज कर दिया गया, जो अलास्का क्षेत्र है, यहाँ के जो निवासी थे उनके कहने पर ऐसा किया गया, अब इसका नाम है माउंट डेनाली कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया, माउंट डेनाली। तो माउंट मिकिल्ले ही क्या है, माउंट डेनाली है, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, माउंट डेनाली क्या है, माउंट मिकिल्ले ही है, बस इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो माउंट डेनाली पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, और साथ में अलास्का रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी है,
और फिर आप लोग देखिए अब आएंगे तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज पर इसके कोस्ट रेंज इसके उत्तर में ही आपको देखने को मिलेगा, ऊपर वाले पार्ट में ही एक यहाँ पर चोटी पाई जाती है। ओके, इसकी एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट लोगन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, माउंट लोगन। और जो माउंट लोगन है ये आपको देखने को मिलेगी पूरे उत्तरी अमेरिका की, ध्यान सुनिएगा, पूरे उत्तरी अमेरिका की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट चोटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वहीं अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा देश की बात करें, तो कनाडा की ये सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो ये दूसरे नंबर पर सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन एक कनाडा की ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बार बार, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो माउंट लोगन है वो क्या है, वो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले पे कौन सी है, माउंट डेनाली है। कौन सी है पहले नंबर पे, माउंट डेनाली आपको देखने को मिलेगी, डेनाली आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से देखिए अब क्या है, कैस्केड रेंज आ गई। एक पांचवें नंबर पे कौन सी है, कोस्ट रेंज की बात की आती है, कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज में आपको तीन पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। देखिए एक आपको देखने को मिलेगी रेनियर। देखिए रेनियर है वो कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछा जाए कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको रेनियर देखने को मिलेगा। माउंट रेनियर सबसे ऊंची चोटी है। और आपको फिर यहाँ पर दो और चोटी देखने को मिलेगी, दो पर्वत। तो ये तीन पर्वत हैं, इन तीनों पर्वत के नाम यहाँ पर लिख लीजिए। एक है माउंट रेनियर, माउंट रेनियर एक आपको देखने को मिलेगा हुड, और एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर माउंट सहिस्ता। देखिए माउंट सहिस्ता, माउंट इसके अलावा माउंट रेनियर और हुड्स आपको देखने को मिलेगा। ये तीन पर्वत हैं, ये तीनों पर्वत यूएसए के या फिर इस श्रेणी के सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। तीनों क्या हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। लिख लीजिए ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो माउंट रेनियर, हुड्स और सहिस्ता ये किसमें पड़ते हैं, ये आपको कैस्केड रेंज में देखने को मिलेंगे। कैस्केड श्रेणी है उसी में तीनों पर्वत पड़ते हैं, और तीनों पर्वत है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय रहती है, सक्रिय ज्वालामुखी के आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमको छठे नंबर पर मिलेगा सीरा नेवाडा मिलेगा। चलिए हम नेवाडा में देख लेते हैं कौन सी, तो नेवाडा में आपको माउंट बिटनी देखने को मिलेगा। ओके, कौन सी, माउंट बिटनी है। देखिए यहां पर लिख देते हैं माउंट बिटनी के बारे में, माउंट बिटनी। अब देखिए जो माउंट बिटनी है वो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा। जो यूएसए है यहाँ पर आपको बहुत सारे राज्य देखने को मिलेंगे यूएसए के, तो यूएसए के राज्यों में सबसे ऊंची चोटी है ये, यूएसए की आपको सबसे ऊंची चोटी माउंट बिटनी देखने को मिलेगी। जो यूएसए के राज्य है ये वाला जो मेन क्षेत्र है, ओके अलास्का वाला छोड़ देंगे, ये वाला जो मेन क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ मैक्सिको तक, इसमें सबसे ऊंची चोटी, इन राज्यों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट बिटनी है। जो कहाँ पड़ती है, जो सेरा नेवाडा में पड़ती है। तो सेरा नेवाडा की माउंट बिटनी जो चोटी है वो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। इसी तरह से ये देखिए जो रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन है यहाँ पर, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो आपको देखने को मिलेगा वो है माउंट एल्बर्ट में, माउंट एल्बर्ट। ओके, तो माउंट एल्बर्ट है वो सबसे ऊंचा आपको यहाँ पर का पर्वत देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए अलास्का में जो माउंट मिकिली है वो आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसका नाम है वो क्या पड़ गया है, डेनाली, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा। दूसरी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट लोगन है, जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से आपको देखिए जो यहाँ पर देखने को मिलेगा कैस्केड रेंज, तो कैस्केड रेंज में माउंट रेनियर है ये आपको देखने को मिलेगा। कैस्केड रेंज ये सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में इसके साथ में माउंट रेनियर और हुड्स और सहिस्ता, ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी के भी उदाहरण है। फिर हम लोग नीचे आते हैं सेरा नेवाडा में, तो सेरा नेवाडा में माउंट बिटनी है वो यूएसए का, यूएसए के राज्यों में सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह माउंट एल्बर्ट है वो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बता दिए। और देखिए जो सेरा नेवाडा है ना, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा डेथ वैली। देखिए सेरा नेवाडा है ना,
यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, डेथ वैली देखने को मिलेगी। तो देखिए डेथ वैली के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं, इधर जगह हमको मिल गई है। ये क्या है? डेथ वैली है, सियरा नेवाडा के पास में डेथ वैली है। तो डेथ वैली की विशेषता क्या है? तो डेथ वैली की विशेषता है ये आपको एक भ्रंश घाटी देखने को मिलेगा। डेथ वैली क्या है? भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी होने के साथ में आपको देखने को मिलेगा ये यूएसए का सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब उत्तरी अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब समुद्र तल से यहाँ पर जो ऊंचाई है वो सबसे कम है डेथ वैली की। ओके, तो डेथ वैली की विशेषता क्या है? तो डेथ वैली की विशेषता है यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो नंबर एक सबसे कम है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा ये क्या है? एक भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी। क्या है? भ्रंश घाटी है। और तीसरे नंबर पर आपको यूएसए का सबसे गर्म स्थान देखने को मिलेगा। यूएसए का सबसे गर्म स्थान है, गर्म स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है? तो सीरा नेवाडा के पास में आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा डेथ वैली के बारे में। तो डेथ वैली कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर आपको सीरा नेवाडा और नीचे नीचे है सैक्रामेंटो है, इसके बीच में ही डेथ वैली है। डेथ वैली है वो यूएसए का सबसे गर्म स्थान भी है, साथ में उत्तरी अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और साथ में ये भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगी। समझ गए आप लोग? आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं पठारों के बारे में। क्या देख लेते हैं? एक बार पठारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए पठारों के बारे में वैसे आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें दिया रखा होता है, लेकिन अभी आपको आसान शब्दों में एकदम पढ़ा देते हैं, एकदम आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आज के बाद तो देखिए, तो यहाँ पर आपको ब्रुक्स रेंज देखने को मिलेगी नंबर एक, दूसरा यहाँ पर अलास्का रेंज देखने को मिलेगी, इधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो मैकेंजी रेंज है तीसरे नंबर पर, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोस्ट रेंज चौथे नंबर पर, फिर आपको कैस्केड रेंज देखने को मिलेगी पांचवें नंबर पर, फिर आपको सेरा नेवाडा देखने को मिलेगा छठे नंबर पर, और सातवें नंबर पर इस तरह से आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेगा, और आठवें नंबर पर इस तरह से आपको यहाँ पर सेक्रामेंटो एक छोटी सी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, फिर इधर हम लोग मैक्सिको में दो हमको देखने को मिलेगा सेरा माड्रे बेस्ट, तो बेस्ट सेरा माड्रे, वेस्टर्न सेरा माड्रे और ईस्टर्न सेरा माड्रे आपको देखने को मिलेगा जो नवे नंबर पर और दसवें नंबर पर आता है। ओके, और इसी तरह से आपको ब्लू रिज रेंज आपको देखने को मिलेगा, और एक इधर आपको इस तरह से एप्लीसियन पर्वत देखने को मिलेगा जो 11वें और 12वें नंबर। ये देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बस दिमाग में इस तरह से रख लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं पठारों के बारे में। अब देखिए कौन से पठार हैं? ये देखिए अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्वतों के बीच में है, इसीलिए हम बोल देते हैं इनको अंतरा पर्वतीय पठार, क्योंकि ये पर्वतों के बीच में फंसे हुए हैं भाई, तो इसीलिए इनको अंतरा पर्वतीय पठार, इंग्लिश में इंट्रा माउंटेन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियां उनके बीच का भाग है। तो देखिए जैसे दो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में उठा हुआ पार्ट है, उसी को हम प्लेट्यू बोल देते हैं। तो देखिए इसी तरह से ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज है, इसके बीच में आपको यहाँ पर एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा, एक पठार देखने को मिलेगा जिसे यूकॉन का पठार बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है? यूकॉन का पठार आपको देखने को मिलेगा, यूकॉन का पठार मतलब प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा ये किस किस के बीच में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रुक्स और अलास्का श्रेणी के बीच में देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कोस्ट रेंज और रॉकी माउंटेन है, इसके बीच में भी एक पठार देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच में है, आपको क्या ध्यान रखना है किसके किसके बीच में है, कौन कौन सी श्रेणी के बीच में कौन सा पठार है। तो देखिए इसके लिए हम बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार मतलब प्लेट्यू। अब हम बार बार प्लेट्यू नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कोस्ट रेंज के बाद में क्या आती है? कैस्केड रेंज। तो कैस्केड रेंज और इधर आपको रॉकी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, इसके बीच में है वो आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया स्नैक का पठार, कोलंबिया स्नैक का पठार आपको देखने को मिलेगा। ये स्नैक सांप वाला स्नैक नहीं है, ये स्नैक नदी है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा। ओके, और कोलंबिया में पड़ता है तो इसलिए कोलंबिया और स्नैक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे
तो आपको देखिए एक और यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बेसिन, ओके, सेरा नेवाडा है, ये देखिए सेरा नेवाडा है, तो सेरा नेवाडा और रॉकी है, तो इनके बीच में पाया जाता है ग्रेट बेसिन। क्या पाया जाता है? ग्रेट बेसिन पाया जाता है, ओके, ग्रेट बेसिन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ग्रेट बेसिन है, अगर हम बात करें वास्तव में तो एक पठारी है। ग्रेट बेसिन क्या है? वास्तव में तो एक पठारी है, लेकिन इसके चारों ओर क्या पड़ गया? भ्रंश पड़ गया। चारों ओर क्या पड़ गया? भ्रंश पड़ गया, जिस कारण आज ये वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ये हमको एक भ्रंश पर्वत की तरह देखने को मिलता है, एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो वर्तमान में क्या बन गया है? ब्लॉक माउंटेन बन गया है, लेकिन पहले क्या था? पहले ये आपको एक पठारी देखने को मिलेगा, लेकिन भ्रंश के कारण, भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण आज से एक ब्लॉक पर्वत के रूप में तब्दील हो गया है। तो आपको यहाँ पर ब्लॉक पर्वत और साथ में आपको यहाँ पर बेसिन भी देखने को मिलेंगे, जो क्या है? ग्रेट बेसिन में पड़ता है, ओके, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। और देखिए सेरा नेवाडा और यहाँ पर रॉकी के बीच में ही, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार आपको देखने को मिलेगा। कोलोरेडो का पठार ये भी कहाँ है? इस सेरा नेवाडा और रॉकी और नीचे सेक्रामेंटो, इनके बीच में पाया जाता है कोलोरेडो का पठार पाया जाता है, ओके। और इसी तरह से देखिए मैक्सिको का पठार है, वो मैक्सिको में होगा, तो आपको वेस्टर्न सेरा माड्रे और ईस्टर्न सेरा माड्रे है, इन दोनों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैक्सिकन का पठार। किसका पठार? मैक्सिकन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। और देखिए ये मैक्सिकन प्लेट्यू है ना, यहाँ पर ही एक क्षेत्र पाया जाता है चुहा हुआ, ओके, चुहा हुआ पाया जाता है। तो लिख लीजिए चुहा हुआ के बारे में थोड़ा सा, चुहा हुआ, तो देखिए जो चुहा हुआ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांदी का खनन किया जाता है, मतलब यहाँ पर चांदी खनन है वो बहुत ज्यादा किया जाता है इस रीजन में, तो चांदी खनन के लिए एक काफी फेमस है, चांदी चांदी के खनन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हम इसे देख सकते हैं, ओके। और इसी तरह से जो कोलोरेडो का पठार है ना, तो कोलोरेडो का पठार है ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप लोग सुन लीजिए, कोलोरेडो का जो पठार है इसमें कई बार बोला जाता है कि ये अंतरा पर्वतीय नहीं भी है, कुछ लोग इसको मानते हैं अंतरा पर्वतीय है, लेकिन ये एक चीज और इसकी विशेषता है, ये आपको उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। कोलोरेडो का जो पठार है ये उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र का उदाहरण है, मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र का आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो कोलंबिया स्नैक है ना, ये लावा से निर्मित है, जो कोलंबिया स्नैक है इसकी विशेषता क्या है? ये लावा से निर्मित है, ओके, लावा से निर्मित है ये जो पठार है, किससे निर्मित है? ये लावा से निर्मित है, और किसकी अधिकता आपको देखने को मिलेगी इसमें? बसाल्ट की अधिकता ज्यादा देखने को मिलेगी, बसाल्ट की अधिकता आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। तो ये चीजें हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। वैसे देखिए आपको ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये देख लेना, बस इसमें एक चीज यहाँ पर काट लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैकेंजी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो डेनाली है, लेकिन नहीं, डेनाली क्या है, जो आपको जो मेकिनले है, माउंट मेकिनले है, इसी का वर्तमान नाम है, इसी का वर्तमान नाम है, ओके। तो ये चीज आप लोग इसको काट दीजिएगा, और ये जो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी इसमें देखिए सब कुछ डिटेल जो हमने अभी आपको बताई है वो सब डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं बताया वो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो ऊटा है, ऊटा आपको देखने को मिलेगा, ऊटा कहाँ पर है देखिए आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ऊटा देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको ऊटा देखने को मिलेगा, ओके। देखिए यही ऊटा है, यही जो आपको ऊटा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक पर्वत है, ओके, देखिए एक पर्वत है, बौसाज पर्वत है, ये आपको एक ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेगा, ओके। और साथ में जो हेनरी है वो आपको बैथोलिथ का एक उदाहरण देखने को मिलेगा, ये भी क्या है? हेनरी एक पर्वत है, हेनरी क्या है? एक पर्वत है जो आपको देखने को मिलेगा, लेपोलिथ का एक उदाहरण देखने को मिलेगा, ओके। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बता दिए हैं।
इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर जो अभी प्लेट्यू के बारे में बताए थे, तो प्लेट्यू के बारे में भी यहाँ पर सब कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए दे दी जाएगी। अगर आप लोग हमारे जो हमारा अगर प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हमारा नया बैच है वो आज से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो 99 रुपये प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो आप लोग आरजी सर 9 कोड का उपयोग करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लब आई एस एस्पिरेंट। यहाँ पर आपको जाकर के इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इस तरह से ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टोर पर आना है, स्टोर पर आने के बाद ये हमारा ओल्ड बैच चल रहा है, इसमें आप लोगों के लिए एडमिशन नहीं लेना है। एक हमारा न्यू बैच चल रहा है अचीवर बैच, इसमें आकर के आप लोगों के लिए एडमिशन लेना है। इसकी जो फीस है वो 2376 रुपये देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग आरजी सर 9 कोड का उपयोग करेंगे, तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये हो जाएगी, और ये फुल पेमेंट है। इसके अलावा फिर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। ओके, तो जल्दी से आकर के आप लोग एडमिशन ले लीजिए, आपको बहुत बड़ा भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप लोग मंथली पेमेंट भी करना चाहते हैं, तो मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, एक हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो आप लोग 99 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पैसे दे सकते हैं। तो वहां पर आएगा एक ऑप्शन आता है पे इंस्टॉलमेंट का, तो वहां पर आप लोग क्लिक कर देंगे, तो आराम से आकर के आप उस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ ए टू जेड दिया जाता है। इसके अलावा आपको टास्क भी दिया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कितनी क्लासेस कितने घंटे की मिलेंगी वो सब यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा डेमो क्लासेस, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे क्लब आई सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको अचीवर बेस्ट एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, तो यहाँ पर बहुत सारी डेमो वीडियो पड़ी हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा देखिए विजन की यहाँ पर टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है, ये एवरी संडे 10 बजे आप लोगों के लिए मिलती है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैपिंग सीरीज है, तो ये मैपिंग सीरीज में आपको जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगे, आप लोग इसको भी आकर के फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग इनको भी लिख करके सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर टास्क देखने को मिलेगा, ये डेली टास्क आप लोगों के लिए दिया जाता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर विजन है वो करंट अफेयर शिवम सर के द्वारा कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग इसको भी आकर के कवर कर सकते हैं। डेली आपको 7 बजे 7 AM पर ये वीडियो आप लोगों के लिए मिलती है। और इसके अलावा त्रिषा मैम है, वो आपको डेली दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराती है, जिसमें 50 डेली टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप लोगों के लिए इसी तरह से वैल्यूबल चीज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके।